हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी कर लीजिए प्रेस ताकि आप ब्यूटी और लाइफ स्टाइल रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपकी स्किन में पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली कोई DIY फॉलो करें, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्किन केयर रूटीन जिसे आप कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में और कुछ सिंपल स्टेप्स के साथ में डेली फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत हेल्पफुल, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे इस स्किन केयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप जो है वो है टोनर अप्लाई करके अपनी स्किन को क्लीन करना। तो उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ हिमालय रिफ्रेशिंग एंड क्लेरिफाइंग टोनर। ये जो टोनर है ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करके आपकी पोर्स को डीप क्लीन करता है और उन्हें टाइटन करता है और आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आज मैं ये टोनर यूज कर रही हूँ। इस टोनर को सबसे पहले आप कॉटन बॉल पर कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, उसके बाद अपनी स्किन क्लीन कर लीजिए। स्किन को क्लीन करने के बाद अब आती है बारी फेस वॉश की। तो आज जो फेस वॉश मैं यूज कर रही हूँ वो है न्यूट्रीजीना डीप क्लीन फोमिंग क्लींजर। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है और पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप हमेशा फोमिंग क्लींजर का यूज करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, वो आपके मेकअप को, आपकी स्किन से डर्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और आपके पोर्स को भी क्लीन करता है और आपकी स्किन से डेड सेल स्किन को रिमूव करता है। तो इसीलिए आप फोमिंग क्लींजर का यूज करें। तो आप फेस वॉश को आप अपने हैंड्स पे ले लीजिए और इतनी क्वांटिटी इसकी मोर देन इनफ है और अब इसे अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। आपको इस फेस वॉश का यूज दिन में 2 बार करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली कहीं बाहर जा रहे हैं और बाहर से आए हैं तो आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्किन हमेशा क्लीन रहेगी और आपकी स्किन पे कभी भी डर्ट इकट्ठा नहीं होगा। तो फेस वॉश के बाद अब आती है बारी स्क्रबिंग की। हमें वीक में 2 से 3 बार स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग से हमारी स्किन से डेड स्किन सेल रिमूव हो जाते हैं, हमारे पोर्स डीपली क्लीन होते हैं और व्हाइट हेड और ब्लैक हेड जैसी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए स्क्रबिंग हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आती है बारी कि हमें किस टाइप के स्क्रब चूज करने चाहिए अपनी स्किन को स्क्रबिंग के लिए। हमें हमेशा इस टाइप के स्क्रब चूज करने चाहिए जो बहुत ही जेंटली हमारी स्किन को स्क्रब करें, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करें। तो उसके लिए आज मैं चूज कर रही हूँ न्यूट्रीजीना डीप क्लीन ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है ये हमारी स्किन को बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करता है, हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है और एक्ने और ब्लैक हेड और व्हाइट हेड जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। तो अब इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करूंगी।
तो अब आती है बारी फेस पैक की कि हमारी स्किन में अगर बहुत ज्यादा पिंपल हैं, एक्ने हैं और व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा डेली कोई ना कोई फेस पैक जरूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे हम DIY फेस पैक अप्लाई करें या हम कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मार्केट से परचेज किया हुआ फेस पैक अप्लाई करें। तो उसके लिए अगर आप नीम फेस पैक चूज करें तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नीम फेस पैक जो होता है उसमें नीम की वजह से आपकी स्किन में जो भी एक्ने और पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे वो रिमूव होते हैं और वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो उसके लिए आज मैं चूज कर रही हूँ हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग फेस पैक। इस फेस पैक में है नीम, मुल्तानी मिट्टी और टर्मरिक और ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन से पिंपल्स को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब ये फेस पैक अप्लाई कर लेते हैं। फेस पैक के बाद अब आ जाती है बारी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर हो, लेकिन आप मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आज जो मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ वो है न्यूट्रीजीना ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये आपकी स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन में लंबे समय तक ऑयल बिल्कुल भी नहीं आने देता है। तो इस मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी यूज होगी। सिर्फ आपको इस क्वांटिटी में इस मॉइस्चराइजर को लेना है, इतनी क्वांटिटी मोर देन इनफ है आपकी फेस के लिए। ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।